हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज से हम अपने कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो नया सेक्शन स्टार्ट किया था इल्यूमिनेशन मॉडल, उसका पहला टॉपिक करेंगे कि एक इल्यूमिनेशन मॉडल क्या होता है। ये क्वेश्चन तो देखो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा जब सेक्शन का नाम सुनोगे इल्यूमिनेशन मॉडल, ये बेसिकली क्या है। तो इल्यूमिनेशन मॉडल को समझने से पहले मैं आपको तीन वर्ड देता हूँ, अगर आप उसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सको या सिमिलैरिटी निकाल सको तो आपको ये इल्यूमिनेशन मॉडल बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। तीन वर्ड है मेरे, शेडिंग, इल्यूमिनेशन एंड इंटेंसिटी। ठीक है जी, अब इन तीन शब्द में क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कुछ ऐसी चीज या इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं? तो एक मिनट के लिए वीडियो पॉज की और अपने आंसर को रेडी रखिएगा, देन देखते हैं कि ये तीनों शब्द बेसिकली है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। पहला शब्द शेडिंग। अगर शेडिंग में आपसे पूछूं तो क्या होती है, अगर आपने सुना हो कंसेप्ट, ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग में चीज आती है शेडिंग करना, शेडिंग के लिए अलग से पेंसिल होती है। ठीक है, आपने देखा होगा शेडिंग की पेंसिल होती है, जिसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि हम मेरा फेस ही बनाना है, तो जैसे किसी का फेस बनाना, कुछ बनाना हो तो क्या करते हैं हम, आईज की तरफ थोड़ा सा क्या करते हैं, ज्यादा डार्क शेड कर देते हैं, गाल पे थोड़ा सा लाइट शेड करते हैं, या जहां पे थोड़ी सी क्या होती है लाइट पोर्शन करना है, डार्क करना, चीजों को देख के छांव पड़ जाए तो डार्क कर दिया, इस टाइप से हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको शेडिंग करते हैं। मतलब अगर आप एक अलग वर्ड में बोलूं या सही मैनर में बोलूं, पेंसिल को आप लेते हैं तो अगर आप टाइटली इसको चलाते हो तो आपको डार्क व्यू मिलता है, डार्क चीज मिलती है, डार्क शेड मिलता है, और अगर आप उसको थोड़ा लाइट से चलाओगे तो आपको लाइट मिलेगा। यही चीज होती है शेडिंग, यही चीज है यहाँ पे शेडिंग का मतलब, कि किसी पोर्शन को हमने डार्क कर दिया, किसी पोर्शन को लाइट कर दिया। ठीक है जी, बात आती है यहाँ पे, पहले मैं लिख देता हूं जो बच्चे देख रहे हो, शेडिंग में हमारे पास दो चीजें आती है, एक डार्क कर देना या लाइट कर देना। ठीक है जी, यही पोर्शन हो गया, पोर्शन को किसी भी एरिया को, ये कोई आपके मतलब एग्जाम में लिखने वाली चीजें नहीं है, बट कंसेप्ट को समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अब आती है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? इल्यूमिनेशन का मतलब यहां पे होता है बेसिकली ब्राइटनेस या चमक। अगर मैं इसको सही वर्ड यूज करूं तो इल्यूमिनेशन का मतलब होता है रोशनी। ठीक है जी, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे, बट अपने कंसेप्ट में इसका मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस, या हम क्या कह सकते हैं, चमक कितनी है। जैसे कि आप किसी लाइट पढ़ते किसी चीज पे तो वो हमें दिखती है, दिखती है मतलब कैसे दिखती है, कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे सन रेस पड़ी, जैसे बेसिकली हम एग्जांपल लेते हैं जनरल, तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज की तरफ आती है, तब जाके वो चीज हमें दिखती है। ठीक है जी, इतना कंसेप्ट आपको पता हुआ। तो इल्यूमिनेशन का मतलब क्या हुआ, कि जो लाइट उसके ऊपर पड़ी बेसिकली वो रोशनी, वो कितनी चमक पैदा कर रही है, कितनी ब्राइटनेस है वो, उसको हम क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन। जैसे कि आप टीवी या मोबाइल में भी ब्राइटनेस कम ज्यादा कर लेते हो, मतलब उसके डिस्प्ले को, उसके ऑब्जेक्ट की रोशनी को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है जी, ये होगी हमारी इल्यूमिनेशन। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को अगर हिंदी में सर्च करोगे तो इसका मतलब आपके पास आएगा तीव्रता। ऐसे ही होता है, ये होता है। तीव्रता मतलब हम कह सकते हैं स्पीड, या अगर मैं इसको इस कंसेप्ट में कहूं तो वो क्या होगी, वैल्यू या क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, एक सेंस में अपने समझने के लिए, कि भाई जो इल्यूमिनेशन, जो ब्राइटनेस हम कर रहे हैं, आपको देखा होगा आपने 10 पे होते 20 30 40 पे लिया, तो मतलब उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ, वो इंटेंसिटी वैल्यू कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्राइटनेस, मतलब इल्यूमिनेशन की जो वैल्यू है वो कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। आई होप आपको तीन वर्ड तो क्लियर हुए होंगे। अगर आप इनमें डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकते बेसिकली एक सेंस में, बट देखोगे तो आपको चीजें ये एक ही दिखेगी, एक दूसरे से जुड़ी होगी,
मैं किसी ऑब्जेक्ट को कहूँ कि इल्यूमिनेट करना है, मतलब उसकी रोशनी बढ़ानी कम करनी है, तो क्या मतलब हुआ? मैं कह सकता हूँ उसको अलग सेंस में कि उसको हम शेड कर रहे हैं भाई, किसी पोर्शन को डार्क कर रहे हैं, किसी पोर्शन को लाइट कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? इंटेंसिटी। तो ये दोनों जो मीनिंग है बेसिकली सेम ही है, बट अलग वे में कई बार रिप्रेजेंट होते हैं। बट इल्यूमिनेशन मॉडल के अंदर शेडिंग इल्यूमिनेशन एक ही चीज है। इवन अगर मैं कहीं पे वर्ड यूज करूं या बुकों में भी यूज करूं, तो इंटेंसिटी मतलब हम बात कर रहे हैं कि वो कितना इल्यूमिनेटेड है या कितना शेडेड है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि काफी सारी डेफिनेशंस करनी है। अब बात आती है कि इल्यूमिनेशन मॉडल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, ये सरफेस है मेरे पास, मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, कोई सरफेस लगा लीजिए उसका, यहाँ पे कोई भी हमारे पास रोशनी पड़ती है, लाइट पड़ रही है, ठीक है जी, ये लाइट्स है। तो इल्यूमिनेशन मॉडल में हम क्या करते हैं बेसिकली कि किसी पॉइंट पे, सपोज कर लो ये पॉइंट है, ये रोशनी पड़ रही है, तो यहां पे हम इसकी इंटेंसिटी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि यहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, जो किससे मिलेगी हमें, इल्यूमिनेशन मॉडल से। इल्यूमिनेशन मॉडल में हम किसी ऑब्जेक्ट, किसी सरफेस, किसी पॉलीगन साइड कुछ भी, तो किसी पॉइंट पे उस सरफेस पॉलीगन पे के किसी पॉइंट पे हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि जो हमारे देखो 3D ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम ग्राफिक पैकेजेस की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें किस तरीके से व्यू आ रहा है उसके हिसाब से किसी पोर्शन को क्या करना है, डार्क करना है, लाइट करना है वो, या जो हम कैमरे से पिक्चर खींचते हैं, फिल्म खींचते हैं, वहां पे हमें इल्यूमिनेशन मॉडल की जरूरत पड़ती है कि कहाँ पे डार्क करने, कितनी ब्राइटनेस करनी है, वो सारी चीजें कैसे कैलकुलेट होगी जब हम इल्यूमिनेशन मॉडल यूज करेंगे। और किसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इसके आगे चलते हैं, ये इल्यूमिनेशन मॉडल इतना ही है दो लाइन का कि इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना किसी पॉइंट पे, हम उसे क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन मॉडल। अब इसके अंदर दूसरी डेफिनेशन कर लेते हैं, वो आती है हमारे पास, अगर अच्छा याद रखना कि अगर मैं ये कहूं शेडिंग मॉडल, ठीक है जी, इल्यूमिनेशन मॉडल, या आपकी बुक में यूज हो रहा हो लाइट मॉडल, ठीक है, मैं अपने नोट्स में देख लेता हूं कोई और नाम तो नहीं इसका साथ में, लाइट नहीं एग्जैक्टली, लाइटिंग मॉडल, ये तीनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कभी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाता है कि एक्सप्लेन लाइटिंग मॉडल, ऐसे कुछ भी आ सकता है। अब डेफिनेशन आती है हमारी दूसरी, जो आती है डिफ्यूज इल्यूमिनेशन, अब डिफ्यूज इल्यूमिनेशन के अंदर क्या होता है बेसिकली कि इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो डिफ्यूज इल्यूमिनेशन में जो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जब भी आप पेपर में डेफिनेशन लिखो तो प्लीज एक डायग्राम जरूर बना लेना इस तरीके से कोई भी, कि सपोज करो ये सरफेस है, देखो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, किसी में ऐसे लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज होना कुछ नहीं है। डिफ्यूज इल्यूमिनेशन के अंदर क्या कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई पॉइंट कंसीडर कर लो या पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो, कोई बात नहीं, अगर इस पे लाइट पड़ रही है, ये इल्यूमिनेट हो रहा है, ठीक है जी, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमारी लाइट होती है जो इस पे पड़ रही होती है वो डायरेक्टली नहीं पड़ रही होती, जैसे कि मेरा लाइट सोर्स है, सपोज कर लो आपको एग्जांपल ले लेते हैं, टॉर्च ले लो या जब कुछ भी ले लो, आप सनलाइट ले लीजिए, ठीक है, सनलाइट है हमारे पास, तो ये पहले किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही होगी, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास कहीं पे, तो ये लाइट क्या है, इस पे पड़ रही है, और ये लाइट इस पे पड़ के जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो यहां पे आ रही है, ठीक है जी, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज इल्यूमिनेशन, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो लाइट आ रही है वो डायरेक्टली उस पे नहीं आ रही थी, डायरेक्टली सोर्स से, वो पहले सोर्स से कहीं और गई और उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वो लाइट हमारे पास आ रही है, ठीक है, यहां से इधर गई है और यहां से रिफ्लेक्ट होके वो हमारे पास आ रही है, तो इस चीज को क्या कहते हैं, डिफ्यूज इल्यूमिनेशन, मतलब जो ऑब्जेक्ट है
वो इल्यूमिनेट हुआ किस वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लाइट थी किसी के लिए आई हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ किसी चीज से टकरा के आई हमारे पास। जैसे कि सनलाइट की हम बात करते हैं डायरेक्टली, हम क्या सकते हैं अगर डायरेक्टली भी पड़ती है, बट अगर हम रूम में बैठे हैं तो बाहर से लाइट, वो जो रोशनी होती है हमारे पास टकरा के आ रही होती है ऑब्जेक्ट से, लाइक सीलिंग फैन हो गए या कुछ सीलिंग होगी, फैंस हो गए या और भी हमारे पास चीज होती है जहां से चीजें से टकरा के हमारे पास ये लाइट आती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर हम कर लेते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन तो आपको पता ही होगा कि जो लाइट जाती है और जो टकरा जाके वापस निकल जाती है, बेसिकली कुछ लाइट होगी जो अब्सॉर्ब भी हो जाएगी, ठीक है जी, और एक पोर्शन उसका क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। दो चीजें होती है, लाइट का कुछ पोर्शन अब्सॉर्ब हो जाता है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही घुस जाता है, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट बैक करता है जिसकी वजह से हमें लाइट वो ऑब्जेक्ट दिखता है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि सपोज करो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, अब इस ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ रही थी, अब देखो यहाँ पे इन्होंने बुकों में भी क्लियर नहीं किया कि जो लाइट पड़ रही है वो क्या डिफ्यूज लाइट है, वो कुछ भी हो सकती है, हम उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ कह रहे कि ये ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेट हो रहा था। बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे कि जो चीज लाइट पड़ी और जो रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है जी, लाइट पड़ने के बाद जो चीज रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन जो हुआ उसमें जो इंटेंसिटी है, ठीक है जी, वो क्या है, हर पॉइंट पे इक्वल है, ठीक है जी, इंटेंसिटी इक्वल एट एवरी पॉइंट, मतलब कि आप चाहे इसको कहीं से भी देखो, देखो ये क्या होता है बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ व्यू डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट। इसमें लाइट कहीं से भी पड़े हमें उससे मतलब नहीं, चाहे हम कहीं से भी देखें, बट जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है, रिफ्लेक्ट होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो इक्वल होगी हर पॉइंट में, चाहे हम राइट जाए, लेफ्ट जाए, अप जाए, डाउन जाए, कहीं पे भी जाए, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। पहले देखा डिफ्यूज इल्यूमिनेशन, जहां पे लाइट किसी चीज से टकरा के ऑब्जेक्ट पे आती है, और इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है चाहे वो कौन सी भी हो, उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है कि जो वो रिफ्लेक्ट कर रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, बेसिकली इक्वल है हर जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर हम कर लेते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर एक थर्ड चीज देख लेते हैं, हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिविटी भी कहते हैं इसको, ठीक है जी। इस चीज को याद रखने के डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को हम यहाँ पे एम्बिएंट रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है जी। डिफ्यूज इल्यूमिनेशन को एक वेट करें सेकंड, कि ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है वर्ड, इसको देखो डिफ्यूज इल्यूमिनेशन को हम एम्बिएंट लाइट भी के नाम से भी जानते हैं, एम्बिएंट लाइट भी कहते हैं इसको, ठीक है जी। कई बार ये क्योंकि आगे अभी यूज होगा जगह पे, तो वहां पे कंफ्यूजन ना हो, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया हमारा, ये हो गया। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिविटी क्या होती है, तो ये कहता है कि जो इंटेंसिटी हमारी किसी सोर्स से आई, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे कि सनलाइट ले ली मैंने, तो इसकी इंटेंसिटी मैंने मान ली सन की इंटेंसिटी आई सन के लिए, ठीक है जी, वो आ गई नीचे, और जो रिफ्लेक्ट बैक हुई, ठीक है जी, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्ट इंटेंसिटी जो रिफ्लेक्ट बैक हुई, इनके इस प्रोपोर्शन को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है जी, कि एक सरफेस पे इंटेंसिटी कितनी पड़ रही है, साथ में वो कितनी रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, उसके प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं आर, मतलब रिफ्लेक्टिविटी या कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, हमारा जो आर होता है बेसिकली 0 to 1 लाई करता है, ठीक है जी। 0 का मतलब क्या हुआ कि 95% 8, मतलब
मैक्सिमम पोर्शन जो लाइट पड़ रही थी वो क्या हो गई, अब्सॉर्ब हो गई। ये आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा? हाँ जी दिख रहा है, अब्सॉर्ब हो गई। और वन का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये चीज हमारी वेरी भी करती है कई ऑब्जेक्ट के ऊपर, जहां पे हमारा 0 to 1 नहीं लेते हम, वहां पे हमें 0 to 100 तक चला जाता है इसकी वैल्यू। तो बट अभी मेनली हम 0 to 1 के लिए काम करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास हो गए डिफ्यूज इल्यूमिनेशन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एक हमने कर लिया इल्यूमिनेशन मॉडल। एक छोटी सी चीज और रहेगी जिसका नाम है लैम्बर्ट्स लॉ, जो भी एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है, उसको देख लेते हैं कि ये बेसिकली फॉर्मूला आपको क्या कहता है। इसका एक छोटा सा डायग्राम है, इसको समझते पहले। लैम्बर्ट्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, यहां पे देखिए लैम्बर्ट्स लॉ, ये लॉ कहता है कि हमारे पास सपोज करो कोई डिफ्यूज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम रफ सरफेस की बात कर रहे हैं, बेसिकली जो खुरदरा सरफेस होता है रफ या गिंजिंग सरफेस। तो वो कहता है कि इस पे जो लाइट पड़ रही है, ठीक है जी, और जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, इसके बीच में इसने रिलेशन निकाल के दिया हमें। क्या कहा दोबारा देखिए, जो लाइट क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है ये, और जो राइट लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। और एक आता है इसमें हमारे पास वर्ड नॉर्मल, तो इनकी हेल्प से एक फॉर्मूला कुछ इसने निकाल के दिया। तो पहली चीज इसने क्या कही यहाँ पे देख लीजिए, वो कहता है कि सपोज करो हमारे पास ये सरफेस है, ठीक है, ये है हमारा पॉइंट, ठीक है जी। ये लाइट जो हमारे पास पड़ी थी डिफ्यूजन के अंदर, हमने क्या देखा था, डिफ्यूज लाइट मतलब एम्बिएंट इल्यूमिनेशन या डिफ्यूज इल्यूमिनेशन, जो कहीं से भी पड़े वो उसकी इंटेंसिटी सेम होती है। याद रखिए डिफ्यूज इल्यूमिनेशन या एम्बिएंट इल्यूमिनेशन या लाइटनिंग में जो लाइट पड़ते किसी सरफेस पे वो हमेशा क्या होती है, सेम इंटेंसिटी की होती है, उसे हमें दिखाने की जरूरत नहीं। बट जो निकली वो हो सकता है अलग हो, ठीक है। तो आई क्या हुआ नॉर्मल वेक्टर, और ये क्या हुआ हमारा यहाँ पे, इसको हम लेंगे इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट वाली है, ठीक है जी। तो इनके बीच में इसने क्या कहा, थीटा, ठीक है जी। ये कहता है कि कोस थीटा, बेसिकली यहां पे हम कोस थीटा लेते हैं, ये कहता है कि कोस थीटा की हेल्प से हम जो डिफ्यूज का वर्ड एग्जैक्टली मैं यूज करता हूं यहां पे, जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी या रिफ्लेक्शन जो बैक होगी या किसी इस सरफेस पे इंटेंसिटी एम्बिएंट, इसको हम वर्ड यूज करेंगे एएमबी डिफ्यूज, वर्ड याद रखिए आई एएमबी डिफ्यूज ऐसे लिखा होगा और आई ए डिफ्यूज ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगी, तो इसका इसने हमें फॉर्मूला दिया आई ए डिफ्यूज इसको टू के ए आई ए, ठीक है जी। के ए आई ए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे के ए होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ दैट सरफेस हो जाएगा, या इसको हम क्या सकते हैं कोफिशिएंट या एम्बिएंट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और एम्बिएंट रिफ्लेक्शन, एम्बिएंट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है जी। और आई ए होती है हमारी इंटेंसिटी ऑफ, आई ए इज बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ एम्बिएंट लाइट, जो हमारे पास बेसिकली पड़ रही थी, ठीक है जी। इन दोनों को यूज करके हमारे पास ये फॉर्मूला आया। देन इसके बाद वो ये कहता है कि भाई किसी पॉइंट पे अगर आपको टोटली कैलकुलेट करनी है तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है कि उसके ऊपर किसी पॉइंट सोर्स से भी क्या लाइट पड़ रही है। वर्ड दोबारा सुनिए, वो कहता है कि आपको उसको कैलकुलेट करना, तो उसको आप एग्जैक्टली ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी पॉइंट पे, पॉइंट सोर्स से भी उसके ऊपर क्या चीज पड़ रही है, इंटेंसिटी क्या, रिफ्लेक्शन जो भी है वो क्या पड़ रही है, वो प्लस में ये, देन हम टोटल कहेंगे कि एक पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट के क्या बेसिकली इंटेंसिटी है। तो जिसके लिए उसने हमारे पास पॉइंट सोर्स के लिए
फॉर्मूला दिया था पॉइंट सोर्स के थ्रू, हमारे पास फॉर्मूला आया था, इसमें हम लेंगे आई पॉइंट सोर्स ले लीजिए, इसको हम केडी आईडी और साथ में लगता है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है जी, इसको देखिए क्या होता है। बेसिकली जैसे कि फिगर आपने बनाई थी, ये मेरा था नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, और ये एंगल लाइट हमारी क्या थी, इंसिडेंट की बात कर रहा हूं, तो ये लाइट हमारी पड़ रही है, ठीक है जी। इंसिडेंट मतलब तो पड़ना, इंसिडेंट हो रही है लाइट, ठीक है। तो ये एंगल, इसको हम यहाँ पे कहते हैं आई, ठीक है जी, इंसिडेंट एंगल, तो वो होता है ये। सेम आई डी क्या हो गया हमारा, इस सोर्स के अंदर की जिस पे पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी, देन के डी हमारा कोफिशिएंट ऑफ दैट पार्ट, तो टोटल हमारे पास आया ये। देन नेट में देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, आई डिफ्यूजन के अंदर ये इनका सम कर लेंगे, के ए आई ए प्लस में के डी आई डी कॉस आई, ये हमारे पास नेट में होता है लैम्बर्ट्स लॉ के अंदर फॉर्मूला। ठीक है जी, तो ये था हमारा बेसिकली कंसेप्ट की इल्यूमिनेशन मॉडल क्या होता है। एक छोटी सी चीज और बता दूंगा मैं आपको इसके अंदर, एक चीज रहेगी, चाहे वो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा यूज इसका ऐसे ही है। एक पॉइंट आता है स्पीक्युलर रिफ्लेक्शन, या स्पीक्युलर हम इसको हम क्या कहते हैं, स्पीक्युलर रिफ्लेक्शन ही कहते हैं। यह कहता है कि एक सरफेस आपके पास होता है रफ और एक सरफेस आपके पास होता है शाइनिंग वाला, ठीक है जी, शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, लाइक किसी पे पेंट किया हो, ठीक है, पेंट किया हो या ऑयल लगाया हो, कुछ इस तरीके से शाइन करते हैं। अगर आप ऐसे सरफेस पे लाइट डालोगे तो आपको वो पॉइंट पे वो बिल्कुल ही आपको वाइट या लाइट कलर का दिखेगा बिल्कुल ही, ठीक है जी। जैसे कि बुक में एग्जांपल है, एक एप्पल आपके पास, उस पर आप टॉर्च या कुछ डालते हो तो जितने पोर्शन पे वो लग रही होती है आपको बिल्कुल शाइन लगने लगता है, बाकी पोर्शन आपको रेडिश ही दिखेगा, वो एक चमक आ जाती है उसी पॉइंट पे, आपने देखा भी होगा। तो इस कंसेप्ट को उसने कहा स्पीक्युलर रिफ्लेक्शन, इसको भी कंसिडर करना चाहिए, बट अभी इसका हमारे जो कंसेप्ट है उसमें इतना यूज नहीं है, बट जो एल्गोरिथम हमारे पास आएंगे ग्रोड और फॉन्ग वहां पे देखेंगे क्या चीजें होती है, ठीक है। तो ये टॉपिक था आपका इल्यूमिनेशन मॉडल के अंदर की, बेसिकली इल्यूमिनेशन मॉडल क्या होता है, डिफ्लेक्स डिफ्यूज इल्यूमिनेशन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिविटी देन लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। तो ये कर लीजिए, जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक में ग्रोड शेडिंग के साथ। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक यू।